हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने विदेशों में पढ़ाई के लिए शुरू की छात्रवृत्ति योजना। राज्य के आदिवासी युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू हो गई है। राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 युवाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को 30 मई तक जो है ईमेल के माध्यम से आवेदन देने को कहा गया है। झारखंड सरकार द्वारा जो है मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दी हिदायत। रांची की पुरानी जेल में बन रहे बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं, बदलाव को लेकर दिए आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का कल शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 28 एकड़ में फैले जेल भवन के जो है जीर्णोद्वार एवं बिरसा स्मृति पार्क के निर्माण कार्य का जो है बारीकी से अवलोकन किया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने म्यूजियम और पार्क में जगह जगह उखड़ रही टाइल्स और पार्क के लिए लगाए गए पौधे की जो है खराब गुणवत्ता देख मुख्यमंत्री नाराज हुए और तत्काल इन पौधों को हटाकर स्वास्थ्य पौधे लगाकर जो है पार्क को सुसज्जित करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी क्षेत्र में मिलेगा 75% आरक्षण। मंत्री राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रोजगार प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मंत्री ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। श्रमिकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जो सभी को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य के निजी क्षेत्र में 30,000 तक की जो है सैलरी में स्थानियों को 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बताया कि यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लागू होगी। वही सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 1 साल के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों ने विधानसभा घेरावा को लेकर बनाई रणनीति। चतरा में पारा शिक्षक संघ ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर 16 मार्च को विधानसभा का घेरावा करेंगे। इस जो है नियमित प्रखंड के पारा शिक्षकों ने शनिवार को बैठक कर रणनीति बनाई। बैठक जो है प्रखंड मुख्यालय स्थित जो है सयाल बगीचा परिषद में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश पांडे एवं जो है संचालन ललन कुमार सिंह ने किया। घेरावा कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पारा शिक्षकों को रांची पहुंचने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो बीजेपी संसद का जेएमएम पर तंजा। कहा पंगाल में प्रत्याशी नहीं मिला तो दीदी को दिया समर्थन। रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने और ममता बनर्जी को समर्थन देने पर तंजा कसा है। संजय सेठ ने कहा कि जेएमएम ने एक महीने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक महीने तक एक भी आदमी इनके पास नहीं आया कि हमें सीट दे दो। या तो बिहार में भी गए थे, एक महीने तक कहते रहे कि कोई लड़ लो भैया, लेकिन सब ने हाथ जोड़ लिया कि यहाँ तो मोदी की लहर चल रही है, किसी दल का आधार नहीं है। बीजेपी के सांसद ने बंगाल में जो है लेफ्ट और कांग्रेस के आधार पर भी सवाल खड़ा किया है। सांसद जो है सेठ ने जेएमएम कांग्रेस के झारखंड के साथ जो है मिलकर सरकार चलाने और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बजाय तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने के जेएमएम के फैसले पर कहा कि जो इनकी कोई जो है विचारधारा नहीं है, सत्ता की जो है चाशनी चाटनी है, इसलिए एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के भीतर बीजेपी और आरसी का जो है वोट बैंक मिला ले तो हम जो है काफी आगे हैं, लेकिन जो है हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा जो गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव में नहीं हो सका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिव्यांगों को राहत। झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग की बोर्ड परीक्षा में राइटर रखने की मिली छूट। झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही जो है परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए राइटर की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार जो है इसमें अन्य दिव्यांग को भी शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जैक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की अपेक्षा हाई व प्लस टू स्कूलों में दिव्यांग छात्र छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में जो है दिव्यांग छात्र छात्राओं को घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था कराई जा रही है। वैसे दिव्यांग जो साधन के अभाव में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए अलग से जो है साधन की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि अन्य बच्चों के साथ वह भी स्कूल में पढ़ाई कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण। सीओ ने राशन दुकानदारों को दिए ये निर्देश।
राज्य में हरा राशन कार्ड का वितरण को लेकर कल शनिवार को बुट्टी स्थित जो है बड़गाई अंचल कार्यालय में शिविर लगाया गया। इस शिविर में अंचल अधिकार मनोज कुमार द्वारा लाभुकों के बीच 90 हरा राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही जो है ग्रीन राशन कार्ड वितरण की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि रांची में हरा राशन कार्ड वितरण को लेकर कल रांची के 2 अंचल कार्यालयों एवं शुक्रवार को 4 अंचल कार्यालयों में शिविर लगाया गया था। बड़गाई के अंचल अधिकार मनोज कुमार ने बताया है कि ग्रीन राशन कार्ड वितरण की शुरुआत कर दी गई है, सभी लाभुकों को कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राशन कार्ड दुकानदारों को समय पर राशन द्वारा तय की गई राशि और सही मात्रा में लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में क्यों शुरू हुआ शनिवार नौकर, क्या है इसका उद्देश्य। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा बजट सत्र में भाग लेने साइकिल से पहुंचे झारखंड विधानसभा। झारखंड की राजधानी रांची को स्वच्छ और जो है स्वस्थ बनाने के लिए कल शनिवार से शनिवार नौकर की शुरुआत हुई है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और खुद को जो है स्वच्छ रखने के लिए एक दिन जो है साइकिल चलाने की अपील की गई है। इस क्रम में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए साइकिल से पहुंचे। रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार की पहल पर जो है शनिवार नौकार की शुरुआत हुई है। बारिश के कारण निर्धारित समय पर मोराबादी में इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। नगर आयुक्त ने हर शनिवार को नौकार के रूप में मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जरूरत हो तभी कार का प्रयोग करें, अन्यथा जो है ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें। यह जो है जन भागीदारी पर आधारित एक मुहिम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरी सब्जियां, फल, मछली से जुड़े किसानों के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। छोटे किसानों के उत्पादकों के रख रखाव के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनवाएगी। विशेषकर हरी सब्जी, टमाटर, फल और मछली के रख रखाव के लिए 5 जो है एमटी क्षमता के 100 इको फ्रेंडली कोल्ड रूम बनाने की सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा से चलने वाले जो है मिनी कोल्ड रूम के निर्माण पर अगले वित्त वर्ष काम शुरू किया जाएगा। छोटे कोल्ड रूम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसके लिए जो है 12 करोड़ का जो है बजटीय उपलब्ध किया गया है। हालांकि ये जो है मिनी कोल्ड रूम कहाँ बनेंगे इस बात का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जहां सब्जियां या फलों का उत्पाद अधिक होता है उन जिलों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ PLFI के एरिया कमांडर समेत 3 गिरफ्तार। प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ चतरा की हंटरगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। PLFI का एरिया कमांडर आशीष उर्फ जो है रितेश टाइगर समेत 3 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने पिस्टल व जिंदा करतूत समेत कई सामान बरामद किए हैं। SDPO जो है अविनाश कुमार ने कल शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर ये जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार आमने सामने, 15 से आर पार की लड़ाई। झारखंड के पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण, वेतन मान व अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेरावा करेंगे। प्रत्येक दिन जो है निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इस घेरावा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जो है इनके बार बार आंदोलन को इस बार गंभीरता से लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में इस घेरावा कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है। इस घेरावा कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति स्कूल से गायब होने वाले पारा शिक्षकों की जो है अनुपस्थिति जो है अनधिकृत मानी जाएगी। ऐसे पारा शिक्षकों को उक्त दिन का वेतन भी नहीं मिलेगा, साथ ही उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक जो है कार्रवाई भी होगी। इसे जो है सुरक्षित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान। 28 जून से 22 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 1 अप्रैल से देश भर की 446 बैंक ब्रांचों में होगा रजिस्ट्रेशन। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है, श्री अमरनाथ जी जो है साइन बोर्ड ने यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिससे जो है PNB जम्मू एंड जो है कश्मीर बैंक के अलावा येस बैंक के देश भर में मौजूद जो है 446 ब्रांचों से कराया जा सकता है। बोर्ड ने शनिवार को बैठक में यह फैसला लिया है। सुरक्षा के चलते इस बार यात्रा 56 दिन तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोषण वाटिका के जरिए कुपोषण की लड़ाई, महिलाओं की आय का साधन बनी। कुपोषण की समाप्ति के साथ साथ रोजगार के साधन सृजित करने की जो है दोहरी मानसा के साथ शुरू की गई दीदी बाड़ी योजना के सकारात्मक परिणाम अब राज्य में दिखने लगे हैं। इसके तहत निर्मित की जा रही पोषण वाटिका गरीब परिवारों के लिए ना सिर्फ जो है पौष्टिक आहार सुनिश्चित करा रही है, बल्कि जो है मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार भी दे रही है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 लाख आंगनबाड़ी जो है उधान स्थापित कर रही है। इन्हें जो है पोषण वाटिका का नाम दिया गया है। योजना का अनुमानित बजट जो है 250 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत जो है राज्य से एमिनिया और कुपोषण के उन्मूलन का जो है लक्ष्य निर्धारित
किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के कई इलाकों में बारिश, मौसम सुहाना। झारखंड में शनिवार को साइक्लोन सर्कुलेशन के प्रभाव में कई इलाके में हल्की बारिश हुई है। हवा के बहाव एवं बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बारिश खेती में लाभकारी होगी। शाम में कई इलाकों में लोगों ने ठंड महसूस की। जानकारी के अनुसार सबसे अधिक जो है 45 मिलीमीटर बारिश चतरा में हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रविवार को दिन के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इसके बाद आने वाले जो 3 से 4 दिनों के बीच तापमान में फिर से जो है 2 से 4 डिग्री का इजाफा होगा। राज्य के विभिन्न इलाकों में अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग, यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के एक बोगी में जो है रायवाला से जो है कांसोरो स्टेशन के बीच शनिवार दोपहर 12:45 पर जो है आग लगी। चालक ने ट्रेन रोकी तो आनन फनन में यात्री जो है सुरक्षित बाहर निकाले। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में 29 अप्रैल को हो सकता है चुनाव। मधुपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का मतदान 29 अप्रैल को कराने की तैयारी है। 31 मार्च को इसके लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। 25 मार्च के आसपास इसकी औपचारिक घोषणा संभव है। चुनाव आयोग की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि मधुपुर सीट झामुमो विधायक और मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण खाली हुई है और झारखंड के निर्वाचन जो है विभाग की ओर से चुनाव आयोग को तैयार के मुकम्मल होने की रिपोर्ट भेज दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।